Jai Gurudev and good morning everyone. Today I am going to explain you again the poem The Tiger in the Zoo. This is the poem you are having in your unit number 1, poem number 2. As we are doing our revision work, I am again going to explain this poem. Okay, listen it very carefully and then do the assignment questions or the revision questions that I will be sending to your Google Classroom. Clear? So I am starting with the poem The Tiger in the Zoo. This poem is written by Leslie Norris. Now, in this poem, before starting with the poem, I should explain you that this is a contrast poem between the tiger who is in the zoo, who is caged, and the tiger who is free and living in his natural habitat, that is in forest, in jungle. यहाँ उस टाइगर की बात हो रही है जब वो जू में है तो कैसा बिहेव करता है और जब वो फ्री है जंगल में है तब कैसा बिहेव करता है. ओके, सो अ टाइगर इन द जू ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. दैट मीन्स यहाँ उस टाइगर की बात हो रही है जो जू में है जिसके विविड स्ट्राइप्स है. टाइगर की बॉडी कैसी होती है, शाइनिंग और जिसमें स्ट्राइप्स होते हैं. वो वॉक कर रहा है केज में फ्यू स्टेप्स क्यों, क्योंकि प्लेस कम है तो उतने ही स्टेप्स में वो वॉक कर रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, इन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब उसके पैर के नीचे पैड्स होते हैं ना वेलवेट जैसे, जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, उसमें वो क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब शांत और रेज मीन्स गुस्सा. दैट मीन्स बहुत गुस्से में है लेकिन वो शांत है, अपना गुस्सा नहीं दिखा पा रहा है. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेररिंग द विलेज. अगर वो फॉरेस्ट में होता तो वो क्या कर रहा होता, वो कहीं शेडो में छुप कर अपने प्रे का वेट कर रहा होता, या लॉन्ग ग्रास में छुपा होता, या किसी वाटर होल के बाजू में छुपा होता जहाँ से डियर्स पास होते हैं पानी पीने के लिए, या फिर अपने वाइट फैंग्स और क्लॉज से विलेजर्स को डरा रहा होता. ओके, बट कहाँ है वो, ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, वो एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर एक पिंजड़े में वो बंद है. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with the brilliant eyes at the brilliant stars. That means, वो अभी कहाँ है, वो एक पिंजरे में बंद है, तो उसकी जितनी भी एनर्जी, जितनी भी स्ट्रेंथ है, वो उस पिंजरे के अंदर ही लिमिटेड हो गई है. उसको अब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा, इवन जो विजिटर्स आते हैं, वो उसे भी इग्नोर करता है. उसके लिए तो जैसे तैसे मॉर्निंग हो जा रही है, जैसे तैसे नाइट हो रहा है, बस उसे इस बात का ध्यान रहता है कि नाइट में जो लास्ट वॉइस वो सुनता है वो किसके होते हैं, पेट्रोलिंग कार्स के, और बाकी पूरे समय बैठकर वो अपनी शाइनिंग आँखों से ऊपर शाइनिंग स्टार्स को देखता रहता है और सोचता रहता है कि मुझे कब फ्री, मैं कब फ्री होऊंगा या मुझे फ्रीडम कब मिलेगी. जस्ट इमेजिन अगर ह्यूमन बींग्स को कोई केज में बंद रखता है तब हम कैसा फील करेंगे. देन अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो तो एक एनिमल है, तो वो भी बहुत गुस्से में है और बहुत पछता रहा है. तो ये एक मैसेज भी दे रहा है पोएम क्या, कि हमें किसी की फ्रीडम छीनने का कोई अधिकार नहीं है, किसी को भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए जू में या सर्कस में बंद नहीं करना चाहिए है, उसे उसका फ्रीडम देना चाहिए. ओके, थैंक यू. जय गुरुदेव.